अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज मैं लेकर आई हूँ डार्क सर्कल्स जो हमारे अंडर आईज़ होते हैं उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी, जो कि काफ़ी पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जब मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े से भी ज़्यादा हो जाए तो मैं ये वाली जो रेमेडी है वो अपने डार्क सर्कल्स पर अप्लाई करती हूँ। जस्ट आई थिंक विद इन 2-3 वीक्स में ही मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। इसको बनाना भी बहुत आसान है। करना क्या है कि 1 टेबल स्पून आपने लेनी है योगर्ट, कर्ड कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली है योगर्ट, क्योंकि जो योगर्ट है ना ये डार्क सर्कल्स को हेल्प करने के रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और उसके बाद 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया ग्राम फ्लोर। अगर तो आप होम रेमेडी बनाते हैं ना अपने डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए तो हमेशा उसमें योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, योगर्ट और ग्राम फ्लोर का। और बिल्कुल थोड़ी सी पिंच ऑफ आपने इसमें लेनी है टर्मरिक। सो ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट है ना जो कि डार्क सर्कल्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं, जो डार्क स्पॉट्स इनफैक्ट आपके फेस पर, आपके नेक पर, आपकी पूरी बॉडी पर जहाँ भी होना। तो ये होम रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो कि डार्क सर्कल्स को, ब्लैकनेस को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ये जस्ट इन 3 इंग्रेडिएंट्स को आपने लेना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है। और फिर करना क्या है कि इसको 15-20 मिनट तक ना आपने अंडर आइस, इसको अंडर आइस रखना है। 3 से 5 मिनट तक आप इसको अच्छे से मसाज करें, जहाँ पर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है वहाँ पर अच्छे से मसाज करें। और फिर 15-20 मिनट तक, एटलीस्ट 15 मिनट तक इसको अपने डार्क सर्कल्स के नीचे रखें। तो बनाई भी बहुत मैंने ईजिली है, इसके बजाय इसके कि आप कोई क्रीम ले, कोई प्रोडक्ट ले, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कम इफेक्ट करती है डार्क सर्कल्स पर। जो ये होम रेमेडीज़ होती है ना यही मेन होती हैं जो आपकी डार्क स्किन को ख़त्म करने में हेल्पफुल होती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सो एज यू कैन सी हाउ इजीली आई हैव मेड। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी, और अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है सो मस्ट ट्राई दिस रेमेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।